वालेकुम, ईद मुबारक इन एडवांस। तो ईद आने वाली है तो क्यों ना मीठी मीठी सवैयाँ बनाई जाए। कि मामी सवैयाँ बहुत ही फेवरेट है सबकी। सो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कि मामी सवैयाँ बनाने के लिए हमने चाहिए है सवैयों का, लिया है हमने एक पैकेट और 1.5 किलो लिया है हमने दूध और कुछ इलायची दाने लिए हैं, 1 कप 2 कप के करीब हमने शुगर लिए है और हमने लिया है 1 कप घी। सबसे पहले सवैयों को हमने जो है वो तोड़ लेना है, बहुत ज़्यादा इसको जो है वो क्रश नहीं करना है, जस्ट 1-3 पार्ट्स इसके बनाने हैं। देन उसके बाद हम जो है वो सबसे पहले डालेंगे घी। घी हमने लिया है 1 कप और इसको डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही घी जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद हम डालेंगे इलायची और तकरीबन 6-7 अदद हमने इलायची डाली है, हरी इलायची डाली है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। देन उसके बाद हम डालेंगे सवैयाँ और सवैयों को डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट्स इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है और इसको हल्का सा कलर देंगे एंड देन इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ईद आने वाली है और स्पेशल कोई डिज़र्ट ज़रूर बनाया जाता है हर घर में। शीर खुरमा बनता है कि मम्मी सवैयाँ बनाई जाती हैं। सो मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर करूं, जो बहुत ही मज़ेदार ये सवैयाँ बनती हैं कि मम्मी सवैयाँ। और जब आप एक दफ़ा बनाएंगे और मेहमान जो है वो आपसे पूछेंगे कि क्या है, किस तरह से बना है, सो ज़रूर आप जो है उनके साथ भी रेसिपी शेयर कीजिएगा। अब हमने जो है वो सवैयों को डिश आउट कर लिया है और डिश आउट करने के बाद हमने चूल्हा बहुत स्लो रखा है और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दूध और घी में हमने जो है वो दूध डाल देना है। 1.5 किलो हमने दूध लिया है और 1.5 किलो के हिसाब से हमने सवैयों का एक पैकेट लिया है और थोड़ा सा और ऐड किया था हमने। और इसको हमने जो है वो स्लो आंच पे पकने देना है और उसको बॉईल आने देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है चीनी। चीनी हमने 2 कप डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीनी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा ये मीठा मीठा ही अच्छा लगता है। सो अब हमने इसको बॉईल आने देना है। सो देखें दूध में बॉईल आ रहा है और जब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर अपना जो है वो चिकनाहट ना आए और इसका एक क्रीमी टेक्सचर ना बन जाए और इसका खोया इसी के अंदर ही बनेगा। देखें इसका टेक्सचर इस तरह से आएगा, जब इसके अंदर ही इसका खोया प्रिपेयर्ड होगा दैन इसका मतलब है कि हमारा जो है वो ये प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब इसके अंदर हमने सवैयाँ ऐड करनी है। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है, इतना पकाना है कि इसका कलर थोड़ा सा क्रीमी सा आ जाए और खोया भी प्रिपेयर्ड हो जाए। अब हमने इस स्टेज पे सवैयाँ जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने ऐड करनी है और ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको दम में पकाएंगे और दम कर देंगे ताकि जो है वो सवैयों का जो भी कच्चापन है वो इसके अंदर अच्छे से पक जाए। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मामी सवैयाँ तैयार हो रही हैं। सो आज ही आप जो है वो उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए अपने ईद मेन्यूज़ में और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये देखें हमने इसको जो है वो कवर कर दिया है तकरीबन 10-15 मिनट्स के लिए। दैन उसके बाद हमने देखा तो बहुत ही मज़ेदार कि मामी सवैयाँ तैयार हैं और इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ, बादाम के साथ और इसको सर्व करेंगे, गरम गरम सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये कि मामी सवैयाँ तैयार हो चुकी हैं। सो मेरी तरफ़ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक और जो है अपने प्यारों को जो है वो याद करिएगा और जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनको भी दुआ में याद रखिएगा और सबके साथ खुशियां बांटिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।